बिग बॉस 15 वीकेंड का वार के संडे एपिसोड में अपना नया सॉन्ग मधुबन प्रमोट करने आई हैं सनी लियोन और कनिका कपूर, जो पहले सलमान खान के साथ स्टेज शेयर करके अपना सॉन्ग प्रमोट करेंगी और फिर घर में जाएंगी अपना बीच सॉन्ग प्रमोट करने बीच पार्टी देते हुए, जहां सभी कंटेस्टेंट्स तैयार हैं बीच वेयर में और घर में कोल्ड ड्रिंक्स और म्यूजिक के साथ सभी कंटेस्टेंट्स डांस परफॉर्म करेंगे, जहां घर वाले जी भर के एंजॉय कर लेंगे। तभी सनी और कनिका पूरी तरह से घर का माहौल बदलते हुए एक टास्क शुरू करेंगे, जहां सभी कंटेस्टेंट्स को पिलाने होंगे एक दूसरे को सॉफ्ट ड्रिंक्स और हर एक कंटेस्टेंट बारी बारी आके उन ड्रिंक्स पे लिखे हुए कैरेक्टर के हिसाब से दूसरे कंटेस्टेंट को बुला के उसके मुंह पे वो ड्रिंक फेंकेंगे। प्रतीक आके उठाते हैं लल्लू टीनी ड्रिंक, जो उसके हिसाब से तेजस्वी बहुत ओवर स्मार्ट बनती है और ये ड्रिंक उठा के उसके मुंह पे वे फेंक देते हैं। प्रतीक कहते हैं तेजस्वी बार बार अपने फ्रेंड्स बदलती है। फिर आते हैं जगत जीजा जी रितेश, जिनका कहना है रश्मि उनके और राखी के बीच आग लगाने की कोशिश करती है और ड्रिंक उठा के उसके मुंह पे फेंक देते हैं। फिर आते हैं राजीव और उठाते हैं पकाऊ पीना कोलाडा ड्रिंक, जिसे वे प्रतीक को पकाऊ कहते हुए उसके मुंह पे फेंक देते हैं। उनके हिसाब से प्रतीक बहुत बोलते हैं और किसी को घर में बोलने नहीं देते। फिर उमर रियाज उठाते हैं जलन का जलसा ड्रिंक, जो वे कहते हैं कि राखी उनकी और करण की दोस्ती से जलती है और धीरे से वो ड्रिंक राखी के चेहरे पे फेंकते हैं। वहीं राखी अपनी बारी का इंतजार ना करते हुए खट्टा मीठा जूठा ड्रिंक उठा के उमर के चेहरे पे जोर से फेंक देती है और उसे सबसे बड़ा जूठा बुलाती है। तो व्यूअर्स, क्या आपको भी लगता है कि राखी और रितेश कुछ ज्यादा ही प्यार भर के लाए हैं उमर के लिए? और व्यूअर्स, क्या आपको भी लगता है कि बिग बॉस सीजन 15 में सबसे एग्रेसिव प्रतीक रितेश या उमर नहीं, बल्कि ऐसे कुछ मुंह पे ड्रिंक फेंकने वाले टास्क होते हैं?